हाँ जी ब्राह्मण ने वो ब्राह्मण ने ब्रह्मा शुक्र बदन में है ब्रह्मा का मुकुट तो ब्राह्मण का मुकुट है वो ब्राह्मण नहीं तो उसको क्या करेंगे माना ब्राह्मण की नौकुरियां होती हैं। अव्वल कुरी के ब्राह्मण वो हैं जो अव्वल नंबर जन्म में जाते हैं। अव्वल नंबर जन्म अव्वल नंबर दीन अल्लाह आकर के स्थापन करते हैं। अल्लाह अव्वल दीन कौन से युग में होता है? पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। उनका जन्म कहाँ होगा? उनका नया जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में होगा या बाद में होगा? बाद में होगा, इसलिए वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण नहीं है। तुम बच्चे हो अव्वल नंबर के ब्राह्मण, सो अव्वल नंबर के देवता। जो नर से नारायण जैसे बनते हो, क्योंकि भगवान आकर तुमको भगवान भगवती जैसा बनाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। और बाबा बेसिक ब्राह्मणिया कहते हैं जे मधुबन में सत्तु युग के पोस्ट बनाने के लिए लिस्ट बना रहा है, तो जो जितना सेंचर के पास ये अर्थ धन जमा करते हैं उनको ही ये मुकाम एवं पद मिलेगा, इसके राज क्या है बाबा? तो बेसिक ब्राह्मणों का कहना है कि जो जितना धन जमा करेंगे वो उतना जल्दी सतयुग में आ जावेंगे, लेकिन उनसे पूछना है कि धन देना किसको है। लेन देन किससे करना है? हमको देने वाला बेहद का बाप कौन है? देने वाले देहधारी धर्म गुरु हैं या विदेही बाप है? तो उन्हें विदेही बाप का ज्ञान है? विदेही बाप कहाँ है वो उनको पता है? वो तो विदेही बाप को ही नहीं जानते, जो जन्म जन्मांतर का सुख बदले में देने वाला है। तो उनको धन दान करने से भी क्या फायदा? क्या जवाब देना है? देने वाला दाता बेहद का कौन है? और अजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट करने के पहले सूर्य मंदिर को भी लूट किया। सोम किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। और ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रमा का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा रचना है या रचयिता है? रचना है। रचना से भी पहले कौन है? रचयिता बाप है। चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो सूर्य की यादगार है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसलिए कहते हैं
हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि कोणार्क का मंदिर पहले लूटा, बाद में सोमनाथ का मंदिर लूटा। और 1937 साल में सुप्रीम मिशन चीफ परमगान से भारत देश का पूर्व अवधारित होकर अविनाशी विद्या ज्ञान निर्भय का रत्न का शुरुआत किया। उस समय पाकिस्तान को लेकर कोई देश नहीं था। आदिशोहंस का नियम का अनुसार जो आखिरी विनाश का समय आएगा उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश रहेगा या भारत भूमि बन जाएगा। अखंड भारत का जो नाम है अखंड भारत, वो अखंड भारत बनाने वाला कौन है और भारत को खंडित करने वाले कौन है? खंडित करने वाले हैं मनुष्य और भारत को अखंड बनाने वाला है बाप। वो अखंड ज्योति है जो अखंड सागर की पहचान देता है। सागर के भी खंड खंड कर दिए जब से विदेश आया है, विदेशी धर्म आए हैं। अभी तो बेहद का बाप आया हुआ है तो 7 सागरों को मिलाकर एक कर देता है। अखंडित तो भारत को भी अखंड भारत बनाता है। न नेपाल अलग रहेगा, न भूटान अलग रहेगा, न पाकिस्तान अलग रहेगा। और सागर का नाम क्या होगा? सागर तो एक ही है, ज्ञान सागर। सागर तो एक सागर है, वो सब सागर का नाम एक ही होगा ना? एक ही सागर है और एक ही भूखंड रह जाएगा, भारत खंड। अभी जो पढ़ रहा है वो ही सागर का नाम है। हाँ, तेरे तेरे का जो इंट्रोडक्शन हुआ बार बार है, तेरे का जो इंट्रोडक्शन हुआ बार बार है, तो उसके लिए जो इंट्रोडक्शन किया गया है तो हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि वो अपना मनचित मथन करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड होकर हम सब हम बच्चों के सामने ज्ञान अमृत के रूप में बाहर आता है। सही होगा या गलत? तेरा तेरा जो शब्द बार बार आया है आज की मुरली में वो आत्माओं के लिए आया है या सुप्रीम सोल के लिए आया है या शिवलिंग के लिए आया है? शिवलिंग के लिए आया है। उसके द्वारा जो मना चिंतन होता है वो सर्टिफाई होता है सुप्रीम सोल द्वारा हम बच्चों के सामने ज्ञान अमृत के रूप में आते हैं। ये सही है या गलत? सर्टिफाई करने वाला साकार में चाहिए या निराकार में चाहिए? तो वो ही मनन चिंतन करने वाला प्रैक्टिकल साकार में और वो ही सर्टिफाई करने वाला, अंतर क्या हुआ? वो तो असोचता है या सोचता है? सोचने करने की जरूरत उनको होती है जो सदाशिव नहीं है, सदैव निराकारी स्टेज में नहीं है। कभी निराकारी बनते हैं, कभी साकारी बनते हैं। वो तो सदैव ही निराकारी है। शंकर को निराकारी नहीं कहेंगे। अगर शंकर निराकारी होता तो उसकी मूर्ति क्यों बनती? शिव है निराकारी,
मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है, शिव है। बिंदु का नाम शिव है। बिंदु तो छोटे से छोटा हो सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिए वो निराकार है। और आज तो बता दिया तुम बच्चे, कितने जन्म सुख भोगते हो? 70 से 75 जन्म तक सुख भोगते हो, और 13 से ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? 13 जिसको बोला है वो 75 जन्म ही सुख भोगेगा या ज्यादा जन्म भी सुख भोग सकता है, इसलिए बोला। साथ में लक्ष्मी कहाँ चली जाएगी जो पवित्रता को पालन करने वाली है? प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या निवृत्ति मार्ग का बीज है? जैसे बाजरा होता है, ज्वार होता है, मक्का होता है, ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या सिंगल निवृत्ति मार्ग का बीज है? है सिंगल बीज है। और चना, मटर, दालें प्रवृत्ति मार्ग का बीज है। दो दल हैं और दोनों साथ साथ हैं, दोनों का ही कनेक्शन बिंदु से है। मुरली में अष्टदेव के लिए बोला या 13 के लिए बोला? वो नंबरवार है अष्टदेव, एक धर्म में आखिरी जन्म में गिरेंगे या अलग अलग धर्मों में गिरेंगे? है अलग अलग धर्मों से कनेक्शन है। जो अलग अलग धर्म है वो उत्तरोत्तर कम जन्म लेने वाले हैं या 84 जन्म लेने वाले हैं? कम जन्म लेने वाले हैं। जन्म 84 लेंगे लेकिन सुख उनका नंबर वार होगा। जो पहले नंबर का सुख होगा वो दूसरे नंबर का सुख उतना नहीं होगा, तीसरे नंबर का और कम होगा, चौथे नंबर का और कम होगा, ऐसे उत्तरोत्तर सुख की कोटि कम होती जाएगी। मैं तो अकेला ज्ञान में चलता हूँ, कोई अगल बगल में तो है ही नहीं, खाने को बहुत तकलीफ होता है। रास्ता रात चलते गाड़ी चलाते हैं, रास्ता रात में चलते हैं गाड़ी चलाते, रास्ता घाट में चार किलोमीटर की गलत क्वालिटी खाएंगे बहुत स्वास्थ्य होता है। चाय, काफी, शरबत, दूध, छाछ, ये पानी कहा जाता है, इसमें उतना दोष नहीं है। लेकिन जो भोजन खाते हैं वो अपने हाथ का बनाया हुआ हो या अपने नजदीकी हो जिनके ऊपर विश्वास हो, ये बाप को फॉलो करने वाले हैं, उनके हाथ का ही भोजन खाना है। वो तो ढंग से हम खाने नहीं खाते हैं, कल कपल वाले थे आज के खाने में नहीं खाते, खुद बना लेता है, तो दर्द होता है। अच्छी बात है। मिठाई दुकान में खा सकते हैं कि है मिठाई और दुकान में मिठाइयाँ
अज्ञानी लोग बनाते हैं, विकारी लोग बनाते हैं या निर्विकारी बनाते हैं? विकारी लोग बनाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो महीने में 15 दिन खाना मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता। जिनकी लाचारी हालत है उनके लिए बोला है दूध और डबल रोटी भी खा सकते हैं, क्योंकि डबल रोटी हाथ से छुई नहीं जाती है। आजकल मशीन मेड ब्रेड बनाया जाता है, तो जो मशीन से ब्रेड बनाई जाती है उसमें उतना ज्यादा संघ का दोष नहीं लगता। चपाती बनाने की मशीन नहीं है, सिर्फ चपाती बेलने की मशीन है। वो बेली जाती है सिर्फ। और जितना कायदा उतना फायदा। इसमें पूछने की बात नहीं है। हाँ जी, सुनो क्या कह रहे हैं, लंबी काम करके सुनो। हाँ जी, आत्मा में ही विकार लगते हैं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। सतयुग में आत्मा निर्विकारी और सृष्टि के संपर्क संसर्ग में आते आते जैसा जैसा माहौल बदलता जाता है वैसे वैसे आत्मा को लेप छेप भी लगता जाता है। पहला प्रश्न है कि रासायनिक आश्रम के लिए तो राहुल मिल गया आत्मा से, लेकिन जो शरीर है शरीर का जो बीमार है वो बीमार के लिए भाइयों को एक किताब मिला है, उसमें प्राकृतिक खाना बहुत है, तो वो खाना से शरीर बन जाएगा या नहीं? वो आएगा कहाँ से खाना? जो खेती होती है उसमें तो यूरिया डाला जाता है। यूरिया भी काम नहीं करता, यूरिया काम नहीं करेगा। यूरिया का खाना है कौन सा? बिना यूरिया के खाना है जब में है, जो प्रोसेस है खाना बनाने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस में यूरिया भी काम नहीं करेगा। यूरिया तो गंदी चीज है। यूरिया यूरिन से नाम बना है यूरिया। जैसे आज दुनिया में गोमूत्र की पैदाइश है, तो पैदाइश ही गोमूत्र की है, तो जो पैदा होगा वो भिकारी पैदा होगा या निर्विकारी पैदा होगा? ऐसे ही जो फसल बोई जा रही है, उगाई जा रही है, वो यूरिया से उगाई जा रही है। वो जमीन को भी खराब करती है। क्या कहा?
जैसे विकार कन्याओं माताओं रूपी धरणी को गंदा बना रहे हैं, ऐसे ही यूरिया स्थूल धरणी को गंदा बनाए रही है, उसमें से पैदाइश ही गंदी हो रही है। अनाज में कीड़े ज्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं, क्या कारण हुआ? यूरिया की पैदाइश है। तो नेचुरोपैथी सिखाने वाले नेचुरोपैथी तो सिखाए रहे हैं, लेकिन क्या ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं? गे के क्या होता है? अरे करके दिखाओ ना। इतना बड़ा एडवांस के परिवार में खेती खरीदी गई चंडीगढ़ में, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पैसे से खेती खरीदी गई, और वो खेती 8-10 साल की गई, जिसमें से 7 साल ऑर्गेनिक खेती की गई, यूरिया नहीं डाली गई, ताकि जो यज्ञ में कन्याएं माताएं हैं उनको बिना यूरिया के भोजन मिले। कोर्ट ने अपने हाथ में लेकर वो जमीन खत्म कर दी। यथा राजा तथा प्रजा को बनना पड़े। क्या करेंगे? फिर करेंगे बाबा, फिर करेंगे। कितना लेगा? आपका भाई लेने नहीं देगा। ये परिवर्तन प्राकृतिक चिकित्सा वाले नहीं कर सकते, ये परिवर्तन तो बाप ही करेंगे, सिवाय ज्ञान और योग के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देहधारियों पर इतना विश्वास है तब तो भरी सभा में आप प्रश्न कर रहे हैं। इस शक्ति पर कितने बुलंद बुलंद काम करने वाले देहदारी आ चुके, मेंटलिटी आदमी की नीचे गिरती जा रही है या ऊंची उठ रही है? अन्ना हजारे को पता है कि हमारे बच्चे भी विकार भोग रहे हैं, विकारी सृष्टि पैदा कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार से बचा पाया? शादी बर्बादी से रोक पाया? असली भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू हो रहा है, वो मेंटेलिटी में घुसा हुआ है। ये तो सब ऊपर की बातें हैं, पत्तों पत्तों को पानी देने से वृक्ष बढ़ेगा पौड़ेगा नहीं। आज तक भ्रष्टाचार की जड़ को किसी ने नहीं पकड़ा। और ये जड़ की पैदाइश होती है आत्मा से, आत्मा की तो कोई को पहचान ही नहीं है, देह का ही चिंतन कर रहे हैं। अभी बाप आकर के सच्चा श्रेष्ठाचार स्थापन कर रहे हैं। अब इधर उधर बुद्धि भटकाने का टाइम नहीं है। कि अन्ना हजारे परिवर्तन करेंगे, गांधी जी परिवर्तन करेंगे, राम राज्य लाएंगे, रामदेव राम राज्य लाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
बांग्ला का ममता बनर्जी क्या करेगा अपनी बांग्ला का बंगला का क्या करेगा बता दिए ना, कोई देहधारी के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार को कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा शिव के। अभी तक यही पूछ रहे हैं कौन रोकेगा, सारी राम की कथा खत्म हो गई। बाबा बाबा कल जादवपुर से विनाश के लिए मछली अस्त्र क्या है, वास्तव में कौन प्रयोग करेगा? जादवपुर के विनाश के लिए मछली अस्त्र क्या है, वास्तव में कौन असली अस्त्र क्या है? यादव कुल का विनाश ही होता है बड़े से बड़े परमात्मा बम से। बड़े से बड़ा एटम क्या है? सबसे पावरफुल एटम परमात्मा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम है, और जितना सूक्ष्म है उतना ही ज्यादा पावरफुल है, और जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही दुनिया की नजरों से गुप्त है। छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा, जब वो विस्फोट होगा तो सारी दुनिया में परिवर्तन की लहर फैल जाएगी। वो कलकत्ता को इंग्लैंड बना देगा, वो इंग्लैंड बना देगा। बाबा कहते हैं समंदर के किनारे जितने भी शहर हैं वो सात सागर में डूब जावेंगे, चाहे बंबई हो चाहे मद्रास हो चाहे कलकत्ता हो। सागर का पानी उछाल मारेगा, पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हजारों मील ऊपर खड़े हुए पहाड़ बर्फ के, ओजोन के टूटने से पिघल पड़ेंगे। दरार तो अभी भी आने लगी है, और जब इतने बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के समंदर में तैरने लग जाएंगे तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा या नीचे जाएगा? इसके अलावा एटमिक एनर्जी का विस्फोट होंगे, समंदर का पानी बॉइल्ड होगा या नहीं होगा? बॉइल्ड हो जाएगा। मूसलाधार कई दिनों तक बरसात होगी सारी पृथ्वी पर, तो सारी पृथ्वी बोड़म बोड़ होगी या नहीं होगी? दुनिया के सभी शहरों की अम्मा तो दिल्ली है, दिल्ली के लिए ही बोला है पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी फिर दिल्ली परिस्तान बनेगी। तो कलकत्ता कहां से स्वर्ग बन जाएगा, लंदन बन जाएगा? हाँ
चंद्रमा इतना बड़ा उपग्रह है जो प्रशांत महासागर से टूट करके गया है। द्वापर के आदिकाल में जो अर्धविनाश हुआ था वो उपग्रह जैसे पृथ्वी से अलग हुआ है वैसे महाविनाश में संपूर्ण विनाश में पृथ्वी से आकर जुड़ जाएगा, प्रशांत महासागर में आकर जुड़ जाएगा। तो समंदर का स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा तो कलकत्ता रह जाएगा। तीन चौथाई सुख तुम बच्चों को मिलेगा। चौरासी जन्मों के हिसाब से थ्री फोर्थ तुम्हारा सुख है। जो 9 लाख हैं वो बाप के सामने बैठकर सुनते हैं प्रैक्टिकल में, तो उनकी तो बात ही नहीं है, उनको तो अनाड़ी बोल दिया। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें मन बुद्धि कौन लड़ाता है। 4.5 लाख बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे इस्तेमाल करते हैं या अनाड़ी करते हैं। जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो ही ज्यादा सुख भोगेंगे। फिर 63 जन्म, 84 जन्मों में से 3/4 जन्म अरे 21 जन्म तो सुख के हैं, वो क्यों ऐड कर रहे हो फिर। जो 21 जन्म सुख के हैं उनमें से ज्यादा हिस्सा ऐड करेंगे कि नहीं, तभी तो 75 जन्म होंगे। हाँ जी, अरे 21 जन्म अलग है, सुखी ही सुख है, और 63 जन्म में दुख भी है और सुख भी है। हाँ, उसमें से सुख का हिस्सा ही लेना है, इसलिए 63 जन्म की बजाय कितना हो जाता है 75 जन्म बताया, तुम्हारा सुख का हो जाएगा। सुख का रेशो ज्यादा है और दुख का कम है। शास्त्र में बोला है, मूली में बोला है शास्त्र भूषा है, तो शास्त्रों के श्लोक लेके लेके तुम अच्छा होता है, पढ़ाई कराता है। सारे श्लोक लेके पढ़ाई कराता है क्या, कि जो सार स्वरूप है उनको लेकर पढ़ाई पढ़ाता है। हाँ जी, वार्तालाप के विषय में बोले हैं, पांडवों का 12 साल का बनवास और अंतिम वनवास होता है, जो कि बाबा बोले 2013 या 2014 को, जो बाबा पांडवों में जो अव्वल नंबर पांडव है उसके लिए बाबा ने बोला जो अज्ञातवास होगा उसमें विशेष विराट राजा के घर में वास होता है, मतलब विराट पुरुष, और उसमें बाबा का जो विस्तार की जो सेवा अभी चल रही है वो बंद हो जाएगी और उसमें संतुलित सेवा में आ जाएगा।
और उस संकुचित सेवा में जो विराट पुरुष के जो परिवार है जो उनकी सेवा हो, उसका मतलब हम क्या, और विराट पुरुष के आने वाले परिवार कौन कौन से और उसी को सभ्यता की सेवा भी सेवा का समाप्त हो जाएगी। हमारे बोले जो विराट रूप है वो बीज का विस्तार है और वो बीज निराकार है या साकार है? जो जो साकार बीज है उसमें विराट कौन है? विष्णु किसको कहें? जो बैलेंस में है विष्णु उसको कहें जो प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। वो अव्वल नंबर का ब्रह्मा सो विष्णु है। तो जो भी ब्रह्मा का नाम रूपधारी है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, उनमें वास्तविक रूप में बैलेंस को धारण करने वाला, प्रैक्टिकल प्योरिटी को धारण करने वाला, प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे कार्यों को संपन्न करने वाला विष्णु रूप आत्मा कौन है? वैष्णवी राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा तो अभी 35 साल होने जा रहे हैं, 35 साल से प्रत्यक्ष हो रही है। पवित्रता की प्रत्यक्षता हो रही है या नाक रगड़ रही है? है? फिर इसलिए बोला व्यक्तवाणी में विजयमाला का आवाहन करो, तब प्रवृत्ति साबित होगी। तो कौन हुई अव्वल नंबर वैष्णवी आत्मा? है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का है तो आदि का भी जरूर होगा। जो आदि सो अंत है। मनसा को दुनिया नहीं मानेगी, मनसा प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। यह जब प्रैक्टिकल होगा तब देखने में आवेगा। तो प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना, प्रैक्टिकल में स्वर्ग की पालना, सारी दुनिया देखे कि इस परिवार में स्वर्ग लगा पड़ा है। यहां माया की कोई भी त्रुपचाल नहीं चलती। यहां प्रकृति भी तमोप्रधान नहीं बन सकती। ऐसा पारिवारिक प्योरिटी का संगठन है। वहां माया रावण प्रवेश नहीं कर सकता। अभी एडवांस पार्टी में माया आती है या नहीं आती है? मिनी मधुबनों में माया आती है या नहीं आती है? आती है। तो प्योरिटी की प्रत्यक्षता हो रही है क्या? नहीं हो रही है। जब प्योरिटी का ऐसा वातावरण प्रत्यक्ष होगा, ऐसा संगठन प्रत्यक्ष होगा, उसमें माया रावण पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी तो ढेर के ढेर ऐसे बैठे हुए हैं जो बाहर जाते हैं, विकारी आंखें बनाते हैं, विकारी इंद्रियां बनाते हैं, विकारों में गिरते हैं। बच्चे डॉक्टरों के पास ले जाके साफ कराते हैं,
और यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। जब वैष्णवी संगठन बनेगा तो ऐसी आत्माएं उस संगठन में पांव भी नहीं रख सकेंगी। कब? जब बात प्रत्यक्ष होगा तब। बारह जिले की जो विशेष सेवा है विराट परिवार की है, जो 2014 का जो बोला विशेष सेवा है, अगर बात दादा जब पांडा में उसका विशेष सेवा होगा विराट परिवार के पालना की और सेवा की, तो विराट परिवार का कितना में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा है। अब जो विराट परिवार है ना, विराट पुरुष का जो विराट राजा का जो परिवार है, जिसके बाबा बोला था संकुचित जो सेवा जब विस्तार का हो रहा है वो संकुचित हो जाएगा। जब अगेंद बात में पांडव को जो अपल नंबर पांडव है उसको देख भी नहीं पाएगा, वो कितना जाएगा तो बाबा उस पांडव को देखने वाले के लिस्ट में कितने जाएंगे और उस परिवार कौन सा जिसका पालना होगा। नई दुनिया बनेगी तो बहुत छोटी से छोटी होगी या बड़ा रूप होगा, तो ऐसे ही है। फाउंडेशन ही छोटे से पढ़ना है। उस समय विजयमाला का आवाहन असली रूप में शुरू हो जाएगा। विजयमाला का जो जैसा आवाहन करेंगे उनको वैसी ही प्राप्ति होगी, या आवाहन कम करेंगे प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो जिनकी लगन होगी वो ज्यादा आवाहन करेंगे, जो ज्यादा आवाहन करेंगे वो सब परिवार में पहले पहले पहुंचेंगे। व्यक्तिगत आवाहन की बात है ना, संगठन संगठन अरे बाबा ने पूरी विजयमाला का आवाहन करने के लिए बोला है या किसी एक व्यक्ति का आवाहन करने के लिए बोला है? हाँ, ये सिर्फ इशारा दिया है कि शहद की मक्खियों की एक रानी भागती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो क्या सारी मक्खियाँ एक ही लाइन में भागती हैं या आगे पीछे होती हैं? आगे पीछे होती है। बाबा आह्वान करने की जो बात है वो व्यक्तिगत रूप से करना है या संगठन रूप से? व्यक्तिगत रूप में तो इतना शक्ति रहती नहीं, तो जब संगठन रूप से इसकी आवाज फैलेगी तो उसकी तो असर ज्यादा पड़ेगा। संगठन प्योरिटी का होता है, प्योरिटी से यूनिटी होती है या इम्प्योरिटी का संगठन होता है? हुजूम का हुजूम बना करके बैठ जाओ। जानते हैं कलकत्ते से बड़ा संगठन और कहीं नहीं लगता इंडिया में। फिर प्योरिटी की यूनिटी कहे? ये कोई प्योरिटी की यूनिटी नहीं होती है। जहां प्योरिटी होगी असली वहीं संगठन होगा असली। उसके लिए कहा जाएगा संघौ शक्ति कलौ युगे। वो संगठन की शक्ति काम करेगी। आगे वालों ने सुन नहीं पाया। आज बुद्धि में आया शत्रु के फूल में रहते हो जाते हो या शत्रु के कांटे में? सत्ययुग में है आज का फूल में है कि तुम सत्ययुग में फूल के रूप में जाते हो या कांटे के? न तुम सतयुग के बगीचे में हो और न कलयुग के कांटे के जंगल में हो, तुम संगम युग में हो। क्या कांटों की दुनिया भी नहीं है तुम्हारी और फूलों की भी दुनिया नहीं है? तुम्हारे लिए सुख की दुनिया भी नहीं है और तुम्हारे लिए
दुख की दुनिया भी नहीं है, तुम तो आत्मा बन करके काम कर रहे हो, आत्मिक स्थिति में है, तो ऊंची स्टेज में होने के कारण दुख कम महसूस होता है, क्योंकि दुख तो नीचे की दुनिया में है। जितना ऊंची स्टेज में हम जावेंगे तो दुख छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है। इसलिए तुम कांटों के जंगल में भी नहीं हो और फूलों के बगीचे में भी नहीं हो। तो संगम में हो। अब 2001 है, पहले किसका जन्म होता है? अंडा पहले होता है कि मुर्गी पहले होती है? माताएं बोल रही हैं अंडा पहले होता है। अरे अंडे को जन्म किसने दिया? मुर्गी ने दिया ना, तो मुर्गी पहले या अंडा पहले? ऐसे ही ये प्रश्न का जवाब है। ये ड्रामा गोल है, इसकी आदि अंत नहीं है। ये नहीं कह सकते दुख पहले है या सुख पहले है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे फिरते ही रहता है। हाँ जी बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में से शंकर और विष्णु की मंदिर दिखाते हैं, ब्रह्मा की नहीं दिखाते। तो ब्रह्मा अगर मुखर रूप होता तो इस समय होता शरीर में, इसका मतलब राम वाली आत्मा ही मुखर रहते हैं और सर्व में भी नहीं है, क्योंकि है इसका यही रूप है। भाई ने कुछ नहीं समझा, आप जो कुछ बोले वो इनकी समझ में नहीं आया, ये बंगालियों की समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्ति में से, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्ति में से शंकर और विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति में से शंकर और विष्णु की मंदिर दिखाते हैं, ब्रह्मा की कोई मंदिर नहीं दिखाते। तो ब्रह्मा अगर मुखर होता तो इस समय शरीर में होता, तो राम वाली आत्मा मुखर रहते इसलिए अभी है, तो इसका मतलब यही है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यक्ति है। ठीक है, इसका आंसर हुआ ना बाबा? हाँ हाँ ठीक है, सर्वव्यापी नहीं है एक भी। आप पूछना क्या चाहते हैं सो तो पूछो। जो क्वेश्चन है ना बाबा पहले वाला, जो सर्वव्यापी नहीं है एक व्यापी है, इसका हाँ। कारण बताया यही हुआ ना? क्या कारण बताया? कि राम वाली आत्मा अभी है साकार में, और ब्रह्मा वाली कृष्ण वाली सोल अभी आत्मा अभी नहीं है शरीर में। कृष्ण वाली आत्मा अभी शरीर में नहीं है, साकार में नहीं है। हाँ शरीर में तो है। हाँ इसका मतलब यही है कि जो सुप्रीम सोल है तो मुखर रथ में जो आते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यक्ति है। अरे सर्व सर्व तो ये एक कृष्ण वाली आत्मा को सर्व कहेंगे क्या? सर्व 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सर्व कहेंगे या सिर्फ कृष्ण वाली आत्मा को सर्व कहेंगे? जो भी सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं वो सर्व की लिस्ट में सभी आ जाती हैं। तो वो कहते हैं सर्वव्यापी है, माने हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है।
लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। मैं छत्तीस से आई हूँ, कल 36 से आई हूँ, तो मेरा सर्विस के लिए बहुत इच्छा है। तो एक तो मेरा आँख में ये है, मोती हुआ है, इसलिए थोड़ा ये हुआ, मुसीबत हो रहा है, बात ये दीजिए, मदद कीजिए मुझे, ये आँखें कटे ऑपरेशन कराऊँ उसके लिए। और एक है मेरा कुछ जमीन है और घर भी है, हम उसे कुछ सेंटर बनाने के लिए सेंटर या गीता पाठशाला। हाँ, जमीन से या ईंटों से या धन संपत्ति से नहीं बनता है सेंटर, मिनी मधुबन या मधुबन। उसके लिए आप आत्माओं को निकालिए, चैतन्य आत्माएं वही ईंटे हैं, आप उनका संगठन इकट्ठा करेंगे तो मिनी मधुबन स्वतः ही बन जाएगा। हाँ जी बाबा, क्लियर हुआ बाबा। मुरली नंबर एक में, मुरली नंबर एक का वो है ना, उसमें मुरली नंबर एक में 4/4/2001 की वाणी है, बाप का भी जन्म होता है तो रावण का भी जन्म होता है, या किसी को पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप के बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, बाप के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो वो बाप को फॉलो करेंगे, बाप की सराहना करेंगे या रावण की सराहना करेंगे? और जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप का विरोध करने वाले प्रत्यक्ष नहीं होंगे, है? वही रावण का जन्म है, जो और धर्म पिताएं हैं वो अभी गुप्त हैं, वो अभी ज्ञान में घुसे हुए नहीं हैं, अभी एडवांस की बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब अखबार में सारी दुनिया में वो बात फैलेगी कि एक ही बाप है, बेहद का बाप, जो नरक को स्वर्ग बनाने वाला है, बाकी तो सब इस दुनिया को नरक बनाने वाले हैं, बल अपन को बाप कहलाते हैं, बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप कहलाते हैं, लेकिन उनके बाद ये दुनिया क्या बनती है? और ही नरक बनती जाती है। वो एक बाप स्वर्ग बनाने वाला प्रत्यक्ष हुआ है, तो जब सत्य प्रत्यक्ष होगा तो झूठ मुकाबला करेगा या नहीं करेगा? वो ही रावण है, जब मुकाबला करेगा तो प्रत्यक्ष होगा। और बाबा, बाप तो सामने प्रत्यक्ष है, बैठा है बाप, सामने बैठा है बाप। और तो परीक्षा होगी तब पता चलेगा, अभी तो ऊंचे ऊंचे बैठ के चाहे जो कुछ बोल लो, अभी फाइनल पेपर कहाँ हुआ है? फाइनल पेपर हो क्या कलकत्ते में भी? फाइनल पेपर होगा या नहीं होगा? वो छोटा सा पेपर हुआ था, रविंद्र भाई को जेल में डाल दिया गया था, तो यहाँ सेंटर पे आने वाले कितने बचे थे? अरे कितने बचे थे? क्लास ही बंद हो गया था, बाहर से कोई आता ही नहीं था। अरे एक को आने से कुछ नहीं होता है, तो वो तो छोटा सा पेपर हुआ था, और अभी तो भारी पेपर होने वाला है। तो जो बड़ा पेपर होगा उसके बाद कहा जाएगा कि बाप सामने है या उड़ गया। और है इनमें मुरली नहीं चलते हैं, मधुबन में मुरली चलते हैं, तो इनमें क्या उसको क्लास नहीं चलते हैं? नहीं, कोई मुरली नहीं चलते। अरे कोई कैसेट आई, कोई वीडियो, कोई वीसीडी, कोई डीवीडी ऐसा आया जिसमें एनएस को दिखाया गया हो? नहीं आया।
का स्टूडेंट कोई क्लास नहीं करते हैं, बाबा का क्लास, क्लास करते हैं। 2 बजे उठ के क्लास करते हैं, 3 बजे करते हैं और रेगुलर करते हैं। हाँ बाबा, 2 मास इंतजार करते करते आप आया है, तो आज मेरा जुगल एवं रेखा को बहुत अच्छा माने महत्वपूर्ण काम पड़ा, ये होता है क्यों बाबा? आज 2 मास इंतजार करते करते आप आया, तो आज ही मेरा जुगल और लेखा को महत्वपूर्ण काम पड़ा, तो ये होता है क्यों बाबा? पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है, आपने पूर्व जन्म में आपके बच्चों ने आपके पति ने कोई सत्संग में बिघन डाला होगा इन मौके पर, तो वो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और भगवान का विराट रूप सहन ना कर सकते, तो ये विराट रूप क्या है? जो शिव है वो अभी प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है या गुप्त पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है, तो उसके प्रभाव कम दिखाई देता है या ज्यादा दिखाई देगा? कम दिखाई देता है। जब प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजाएगा तो विकराल रूप समझ में आएगा या छोटा रूप समझ में आएगा? तब विकराल रूप धारण कर लेगा। अभी तो कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आत्मा में ताकत ही नहीं है, सहन करने के लिए शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? पांडव गायन तो है ना, गायन है तो मना कौन करता है, गायन नहीं है। एक अभी भी है, अभी भी है तो मुझे में तो आया क्या आज अपने कलाकारों का क्लियरेंस जो कलकत्ता में आकर के जो वो वर्णों में थी तीनको कहा था, मतलब पहले जमीन से कोई या गीता माता एक रात जब भारत में इनको क्लियर नहीं हुआ गुरु धर्मों से, तो यहाँ जो सबसे बड़ी यात्रा जो बनी हुई थी सेवाग्राम के ऊपर में, वहाँ आए तो उनकी मुलाकात हुई सबसे दो बन गीता माता सगी बांधने थी या सभी तक के सगी बांधी, तो इनको उन्होंने पहले पहले अपने संस्कारों का बताया, संस्कार पहले किसको बताया? कहानी लक्ष्मी सचिव को या गीता माता? मैं अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। वो 3 मूर्ति वो झंडे के 3 चैतन्य कपड़े अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं क्या? प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? जब प्रत्यक्ष हुए तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता, प्रत्यक्ष नहीं है तब ये प्रश्न उठता है। अरे गीता माता एक नहीं है, गीता माता 2 हो गई। एक को बच्चे ने पोल्यूट कर दिया, कृष्ण बच्चे ने क्या गड़बड़ कर दिया है? जो माता था उस माता का पति बन करके बैठ गया, अपने कंट्रोल में लेके बैठ गया, तो एक झूठी गीता हो गई और एक सच्ची गीता थी। बाबा ये गीता का भगवान कौन है? ये अभी
बातचीत कर पाएंगे या 2018 में जब वो सच्ची गीता आएगी और अपने मुख से कहेगी कि मेरा पति जो है वो शिवशंकर भोलेनाथ है, ये तब होगा या अभी सिद्ध हो सकता है या अभी हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं? ये प्रत्यक्ष करने के लिए प्योरिटी की पावर चाहिए या इम्प्योर आत्माएं भी वो कार्य कर सकती हैं? प्योरिटी की पावर चाहिए।